दो बालकों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एनिलीन। जितना हमसे हो पाएगा मैं उतना करूंगा, और आप उनको क्या करेंगे याद कर लेंगे, ठीक है? एकदम कत्ता ही जहर रिएक्शन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्टार्ट करते हैं। देखो एनिलीन, मैं बार बार आपको ये सब क्यों पढ़ा रहा हूँ, रीजन है यही सब एग्जाम में आएगा। इसका नाम क्या है? एनिलीन। निर्जल एक ये एकदम कत्ताई जहर होंगी बेटा, ये जरूर याद कर लेना आप लोग। इन दोनों से एग्जाम जरूर फंसेगी, कंफर्म। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए लिख दी मैंने। ठीक, पहले इनका उत्तर लिखता हूँ। देखिए सॉरी, ये इसे प्रेजेंस में होगी नहीं, याद है ये ऐसे रिएक्शन होगी नहीं। इसे क्या करें, मिटाएं। क्यों नहीं होगी, इसके पीछे कहानी है, बाद में बताऊँगा। एकदम मिटा के नहीं होगी। यहाँ पीरिडिन यूज़ करें। क्या यूज़ करें? पीरिडिन। क्या यूज़ करें? पीरिडिन। ये सी एल, इसका एक एच निकल जाएगा। सी एल एच निकल जाए। एन मेथिल एनिलीन एसिटिनालाइड इनके नाम है। कतई खतरनाक, ये तीनों में से कोई एक ना कन्फर्म आए। नोट कर लिए, याद कर लिए। बोल इसलिए कम रहा हूँ क्योंकि मैं गाल पे कटा हुआ है, आवाज़ धीरे धीरे बोल रहा हूँ इसलिए मैं कम बोल रहा हूँ। समझदार तो है आप, नोट कर लेंगे। तीन रिएक्शन और भी लिखता हूँ एनिलीन की, एकदम खतरनाक, जो आपसे टीचर पूछेगा सीधे सीधे। देखो ऐसे कह सकता है, एनिलीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कहते हैं पीरिडिन के साथ, ठीक। या फिर कहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपको दिमाग लगाना है। एनिलीन की ये रिएक्शन आपको याद कर लेना है कि इससे रिएक्शन कराने कंफर्म आएगी एग्जाम में, कंफर्म। पानी पड़ते ही ये ब्रोमिन तीनों जगह लगेगा। टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स ट्राई ब्रोमो एनिलीन कन्फर्म, इम्पोर्टेंट। और अगर तो फास्ट लिख रहा हूँ आपको, क्या इस सिचुएशन में एक ब्रोमिन, इस सिचुएशन में तीनों ब्रोमिन, याद रखें। एक और बस, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। कितना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, छह, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, टॉप करना है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।